हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी फूडी लाइफ। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल आलू के मोमोज। इन आलू के मोमोज को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कटे हुए आलू, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, नमक, काली मिर्च और दही की, जिसे मैंने आगे से फेंट कर रखा है, और डो भी मैंने पहले से ही बना ली है। तो चलिए तैयार करते हैं पहले मोमो की स्टफिंग। पहले कढ़ाई को गरम कर लेना है और उसमें ऐड करना है मस्टर्ड ऑयल। अब इस मस्टर्ड ऑयल को पूरा गरम होने देना है। तेल जब गरम हो जाए तो उसे थोड़ा हिलाकर कढ़ाई के चारों तरफ हम लगा देंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे हम अपने कटे हुए आलू। इन कटे हुए आलू को हमें हाई फ्लेम पर ही अच्छे तरीके से तलना होगा। अभी इसमें हमने मिला दिया है नमक। तो लीजिए, तैयार हो गए हैं आलू तल के। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे बारीक कटे हुए प्याज। इन प्याजों को भी हम अच्छे तरीके से तल लेंगे और फिर ऐड कर देंगे टमाटर। इन टमाटरों को हमें अच्छे तरीके से भूनना होगा ताकि ये नरम हो जाए। और इसमें काली मिर्च भी हमने मिला दी है। अब हमारा टमाटर तल के तैयार हो चुका है। देख लेते हैं टमाटर गला है या नहीं। देखिए, हमारा टमाटर अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसका तेल छान कर हमें इसे बाहर निकाल लेना होगा। आलू को हमने अभी एक अलग कटोरी में निकाल ली है और इसमें हमारे पहले से तैयार की गई दही को अब हम मिला देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से आलू के साथ दही को हमें मिला देना है। लीजिए, बन गया हमारा मोमो का स्टफिंग। अब मोमोज बनाते हैं। मैंने मैदे की एक छोटी लोई को पहले ही बेल के तैयार करके रख दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा स्टफिंग। अब इसको अच्छे तरीके से पकड़ के मैदे को हमें चारों तरफ से पिंच कर देना है ताकि कोई भी चीज़ अंदर से बाहर ना आ जाए। और इसे हम ट्रेडिशनल पोटली के आकार में ही बना रहे हैं। लीजिए, तैयार है हमारा पहला आलू का मोमो। अब ऐसे ही हम बाकी मोमोज को भी बना लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारे सारे आलू के मोमोज। इन्हें आप तल के खाइए या स्टीम करके, ये आप पर है। हर तरीके से ये आपको ज़रूर स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा।